बिल्कुल करीब कहते हैं। इमाम मेहदी की पहचान क्या है, हम पहचान कैसे कर सकते हैं? इस्तखारा तो वो करते हैं ना जिसका दिल साफ। देखें ये तो वो है कि बैच आउट हो रहा हो और एक बच्चा आज एडमिशन ले और फिर कहे कि सर लेसन नंबर वन के क्वेश्चन नंबर वन का क्या आंसर है, तो इसका सारा वो हम कर हो चुका है। आप थोड़ा सा ऑनलाइन स्टडी कर लें, फिर भी आपके कोई क्वेश्चन हुए जिससे हमें पता चले कि आप कितने स्टडी की हुई है, तो फिर तो वाई नॉट, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा हम इस चीज़ को कर चुके हैं। अहले तशी का कॉन्सेप्ट और है, हम अहले तशी नहीं है ना ही हम उनको आग पे समझते हैं। इमाम किसका आप कोट कर रहे हैं, तो उसका रेफरेंस क्या है? उनकी किताब में लिखा हुआ है ना, तो ये कैसे पता चलेगा कि उनकी किताब में सही लिखा हुआ है और उनके रेफरेंस से लिखा हुआ है? अहादीस जो हैं सही बुखारी सही मुस्लिम से आए सित्ता, वो तो हमें असमा और रिजाल और सारा मौजूद है, हमें पता है कि ऑथेंटिक चीज़ है। बाद में अकवाल मेरे मुंह में आप कोई बात डाल दें कल मैं नहीं रहूँगा तो सही आप तशहीर करते रहें, फिर असमा और रिजाल मेरे बारे में भी एक निकालेंगे, ऐसे नहीं होता। हमारे लिए कुरान और सुन्नत है बस, उसके बाद सब कुछ हमें पता ही नहीं किसी ने कहा है नहीं कहा। अगर कहा है आप प्रूव भी कर देंगे इमाम जाफिर ने या किसी ने कहा, फिर भी हम नहीं मानते क्योंकि हमारे लिए सिर्फ कुरान और हदीस है, उससे हट के जो भी बात है वो नहीं है, ना कुरान में ऐसी कोई बात है ना हदीस में, तो ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल झूठ है जिसने भी कहा, जिसने कोट किया वो भी झूठ और जहाँ से पहुँची वो भी झूठ, जो लोग इसको फैला रहे हैं वो भी झूठ, ठीक है। और ये हो ही नहीं सकता कि कोई अहले हक हो और उसने ऐसी बात की हो जो कुरान और हदीस में नहीं है, ना उसका रेफरेंस है। हदीस में तो है ना, तो कुरान से साबित ज़रूर होता है, कुरान में हर चीज़ का जिक्र नहीं है। कुरान में कितने सहाबा का जिक्र है? नाम नाम कितनों का है? सिर्फ एक का, हज़रत ज़ैद बिन हारसा का। तो क्या फिर हज़रत वो जो ग़ारे सोर में हज़रत अबू बकर का जिक्र है विदाउट नाम, तो हम यह कहेंगे हज़रत अबू बकर की वो नहीं है फजीलत नहीं है? तो कुरान के अंदर हर चीज़ नामों के साथ नहीं है, रेफरेंस है, पॉइंट किया गया है, क्योंकि कुरान को अल्लाह ताला ने बहुत एक्सपेंडेबल चीज़ बनाया है, हर दौर पे इंप्लीमेंट हो सकता है। अभी मैं कुरान में आपको बता देता हूँ इमाम मेहदी का जिक्र कहाँ है। वलकद कतबना फिर ज़बूरी में बाद ज़िक्र अनल अर्द यरिसुहा इबादी अस्सालिहून, ज़बूर में हमने लिख दिया था कोई नेक लोग होंगे उनको पूरी ज़मीन की सल्तनत दे देंगे, खाली ज़बूर में नहीं लिख दिया था, फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने किताब में भी लिख दिया, कुरान में भी लिख दिया, वाद अल्लाहु लज़ीन आमनू वामिलु सालिहात। नेक किसी नबी का रसूल अल्लाह का जिक्र नहीं किया कि वाद रसूल नहीं, वाद अल्लाहु लज़ीन आमनू वामिलु सालिहात, ईमान वालों और नेक अमल करने वालों से अल्लाह ताला ने वादा किया है, ला यस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़, ज़रूर लाज़मन ज़मीन का खलीफा बना देंगे, कम अस्तखलफ अल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम, जैसे सुलेमान अलैहिस्सलाम को बनाया था। तो नाम नहीं होता कुरान में, तो नाम नहीं होता फिर तो आप किसी का, फिर तो आप अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाकी जो असहाब हैं बाकी अम्बिया का भी नहीं मानेंगे कि उनका नाम नहीं है, ठीक है। इसलिए कुरान में गाइड करता है, कुरान रेफरेंस देता है और कुरान स्पेस छोड़ता है। अल्लाह ताला इसी किताब से बहुतों को गुमराह करता है, बहुतों को हदायत देता है। तो अल्लाह ताला ने ऐसे रिडल्स रखे होते हैं ताकि जिसको अल्लाह तौफीक दे उसको ही समझाए। तो इसी कुरान को गामदी भी पढ़ता है, इसी को कादियानी भी पढ़ते हैं, इसी को अहले तशी भी पढ़ते हैं, और वही तौरात ज़बूर का रेफरेंसेस वो बनी इसराइल भी देते रहे और वो भी देते रहे, अंसार भी देते रहे। तो ये अल्लाह ताला की जो किताब है, अल्लाह ताला का उसूल, अल्लाह ताला का तरीका है कि वो अल्लाह ताला ऐसे स्पेसिफिक नहीं करता। अगर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अलमादी लिखा हुआ होता किताब के अंदर, कुरान के अंदर, तो पता नहीं हर हफ्ते ही कोई आ रहा होता, काबतुल्ला में खाना जंगी लगी होती अभी तक। अपने बच्चे का नाम रख देता, 10-15 साल इंतज़ार करता, बालिग हो गया और फिर पहुंच जाता, फिर अगला नस्ल यही करती, फिर अगली नस्ल यही करती। तो अल्लाह ताला की बड़ी हिकमतें हैं उसके अंदर। तो कुरान में रेफरेंस होता है, हिकमत होती है, बात होती है, लेकिन स्पेसिफिक्स नहीं होते, वो अल्लाह ताला फिर एक्सपेंड करता है ओवर टाइम। कुछ बोलने वाला था बीच में।